नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 का आपका रिटन का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। सभी लोगों ने देख लिया होगा और सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए ये वीडियो मेनली डेडिकेटेड इसलिए है कि अगर आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फोन जो है लगभग 300-400 कॉल्स जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन मैं किसी भी कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। रीजन क्या है, अब किस किस का जवाब दूँ भाई? जो जो जिसका नहीं हुआ है वो इस वजह से फ़ोन कर रहा है कि भाई अपना दुख बांट लूँ, और जिसका हो गया है कि वो इसलिए फ़ोन कर रहा है कि मैं अपनी खुशी बांट लूँ। ठीक है, तो भाई इसमें पूरी बात करेंगे, दोनों तरीके के जो बच्चे हैं, जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो गया है। ठीक है, दोनों इसको वीडियो को देख लेना और फर्दर ज़्यादा मुझे नहीं, 5 मिनट आपका निकाल लीजिए। हो सकता है आप लाइफ में जो है वो आगे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें और आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मायूस हैं। बहुत सारे का मतलब है, अब लगा लीजिए ऑफिशियल डेटा के तहत 7.5 लाख अगर बच्चे ने पेपर दिया था तो उसमें 36,000 बच्चों का हुआ है, तो अब हम लगा सकते हैं कि 7,15,000 या 10,000 के करीब, एक्यूरेट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इतने जो है बच्चे परेशान हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ नॉन सीरियस भी होंगे, लेकिन सीरियस कैंडिडेट की बात करूं तो 1 से 1.25 लाख बच्चे जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका नहीं हुआ, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी नहीं हुआ। डेटा अब इस तरीके से समझ में आ रहा है मुझे, वो मैं सारी बातें आपको इसमें बताऊंगा, और इसमें यह भी बताऊंगा कि फ्यूचर जो है वो किस चीज़ों से आपका डिसाइड होता है। जब आप किसी को प्रॉपर तरीके से अपना अपना जो है अपना एक 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 तरीके से मेंटर मान लेते हैं, लेकिन जब आप अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं तब आपके साथ क्या होता है। कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि आप ऐसे केसेस को आप जो है खुद ही हैंडल करें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपने देखा कि 302 नंबर पे जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। इतने पे पिछली बार के टॉपर, मतलब जो फाइनल कट ऑफ का टॉपर था वो भी इन्हीं के आसपास थे। ठीक है, तो आप एक चीज लगा सकते हैं कि जो आपका कंपटीशन है वो किस हिसाब का पहुंच चुका है। दूसरा, मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एक क्लेम है कि स्क्रीन शेयरिंग हुई थी, या कुछ बच्चों के इतने ज़्यादा नंबर आए हैं, कुछ बच्चों के इतने, मतलब वो गलत तरीके से हुए हैं, ये है वो है। देखिए, सारी चीज़ें आपकी जो है जायज़ हैं, सब चीज़ें मैं मान सकता हूँ, लेकिन विदाउट प्रूफ आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अभी तक आप बैठे भी नहीं रहते भाई, 4-5 महीने आपको हो गए हैं जब पेपर को हुए, तो आप नहीं बैठे रहते इतने दिनों तक। दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है भाई, मैं मानता हूं इस चीज को कि मैंने कट ऑफ का आपका जो है अनुमान गलत लगाया। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा से बोलता आ रहा था कि आपको जो है क्वेश्चन 160 अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 160 अटेम्प्ट करने हैं। भाई बहुत सारे बच्चों ने ये चीज गलती करी कि उन्होंने कुछ टीचरों की बात मानी और 120-130 इतने ही अटेम्प्ट करके आए, और कुछ बच्चों पर वहां पर लैक ऑफ टाइम की वजह से इतने ही अटेम्प्ट हो पाए। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की जब कट ऑफ 121 क्वेश्चन पर चली गई, तो आपका 120 करना या 130 करना कहां तक जायज था? आप भाई मेरे को आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप मेरे को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर मेरे को कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने कट ऑफ गलत बताई, तो कट ऑफ से आपका ये थोड़ी ना हो कि आपकी जिंदगी पलट गई। भाई ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था 100, रीजन ये है कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब भी होती हैं और हमेशा से होती आई हैं, भाई कोई भी डेटा हो, चाहे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला हो या फिर वो आपकी जो है आपके घर में जो है कोई भी प्रोग्राम होने वाला हो, अगर आपकी आपके आप छोटे हैं, आपकी अगर शादी होने वाली है, तो आपके बड़े भाई के जो डेटा था, डेटा शादी में जितना खर्चा हुआ है, रिश्तेदार कौन आया, उस डेटा को हिसाब से तो अब आपके आगे लगाया जाएगा आपका जो भी चीज़ें। ऐसे ही भाई हम लोगों ने भी ये सोचा था, 101 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी फाइनल गई थी, बड़ी वैकेंसी थी, और कोई मतलब बच्चे भी 7.5 लाख बच्चों ने मात्र जो है पेपर दिया, इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई 101 फाइनल कट ऑफ और 121 रिटन की कट ऑफ, अंतर नहीं है क्या? भाई हम पिछले डेटा को देख के एनालिसिस करते हैं, हमेशा से यही होता चला आया है। अब 121 क्वेश्चन पर जब रिटन की कट ऑफ गई है, तो आगे फर्दर जब भी यूपीएसआई का एग्जाम होगा तो उस समय भी ये इस चीज़ का देखा जाएगा कि भाई 2016 में इतनी गई, 2022 वाली तो बहुत ही ज़्यादा चली गई थी, अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब कितनी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह कि भाई स्टूडेंट्स ने मेहनत भी बहुत करी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करी थी, मैं इसको पर्सनली इस चीज़ को देख रहा था, हर चीज़ उनको पता थी, किसी भी कोई भी अपना आपका जो है कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। जिन बच्चों के 100+ क्वेश्चन थे वो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनका उनका नहीं होना, इस चीज़ को मैं भी दुखी हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए सीधी सी बात है, जिनका 36,000 में नंबर है भाई वो भी अपने आप को कंप्लीट अभी मत मानिए। अभी क्या है, सिर्फ आपका रिटन पास होने का ठप्पा तो लगा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, क्यों भाई? फाइनल सिलेक्शन तो 9,534 का ही होना है, एक सीट पे 3.75 बच्चा है, बहुत ही अच्छा कंपटीशन है, इसलिए किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा हो रहा है या मेरा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो लोग बाउंड्री पे हैं वो लोग ये परेशान है कि सर मैं दौड़ने जाऊं या नहीं जाऊं, देखिए ये गलती मत करिए,
कल को कट ऑफ में ऊपर नीचे होता है, और फिर अगर मान लो फाइनल कट ऑफ आपके सामने आती है और अगर आप उसमें एंटर हो रहे होते तो आप बाद में यही पछताएंगे कि यार काश मैं दौड़ लेता। तो इसलिए अगर आपको DBPST का मौका मिला है तो आप जो है उसको बिल्कुल तरीके से आप करिए। दूसरी बात, फ्यूचर के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि अंधे तरीके से, ठीक है, आँख बंद करके कभी भी किसी की बात नहीं माननी चाहिए। अब जो बच्चे जिन्होंने जिनसे ये कहा गया था कि नहीं पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको दिक्कत होगी, आज वो सब बाहर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने 120, 115, 130, मानता हूँ कि मेजोरिटी ने पूरे ही अटेम्प्ट करे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कम अटेम्प्ट करके आए, इस वजह से कि उनको ये लगा कि भाई मेरा जो है थोड़ा बहुत एक्यूरेसी ठीक है, मेरा तो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो आपको जो है प्रॉब्लम करेगी। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, या फिर फ्यूचर में जो 9,500 के बाद जो बच्चे निकलेंगे, 9,500 के बाद जो बच्चे लगभग आपके 25,000 के करीब बच्चे जो हैं वो जिनका नहीं होने वाला भाई, ठीक है, 25-26,000 मान लो एक्यूरेटी। अब ये मत कहना कि नहीं इतना इतना पॉइंट समथिंग इतना एक्यूरेट डेटा है, तो ऐसा नहीं है। 25-26,000 बच्चे मैं मान के चलता हूँ कि जिनका नहीं होगा इसमें, उनको और जो जो फेल हो चुके हैं उनको क्या करना है। देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर आपका आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं तो आप, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ तो करना है ना आपको, लेखपाल की आंख बंद करके तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगी है। जिन्होंने PET को सीरियसली नहीं लिया था या जिनके 90% या फिर 80% से जिनके कम हैं, ठीक है, तो भाई उनके लिए यह है कि PET 2022 जो है वो भी आएगा आपका। और इस जो आने वाली जो जो आपकी एक तो वैकेंसी वीडियो की है जो कि पहले 2017 वाली है, लेकिन एक लेटेस्ट में वैकेंसी जिसमें लगभग 2600 वीडियो की वैकेंसीज हैं, ये भी आपकी जो है PET 2022 से ही होगी, मतलब इसी के नंबर के आधार पर होगी। 2021 में जिन्होंने PET दिया है वो तो भाई लेखपाल के हिसाब से होने वाली है, लेकिन जो PET 2022 में जो अच्छे, तो इसलिए अब की बार PET 2022 आप सीरियसली ले लेना है। तभी मैंने आपसे हमेशा, जो भी बच्चा मुझे फ़ोन करता था मैं उससे ये कहता था हर चीज़ को सीरियसली लो, कुछ नहीं पता नहीं आप कब निकलने वाले हो, ठीक है, आपका रिटन क्लियर हो गया बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी सोच लीजिए कि कॉम्पिटिशन इतना है कि 9,500 बच्चे हैं मात्र जिनका सिलेक्शन होगा, बाकी फेल होंगे। जो रिटन में फेल हो चुके हैं जब तक आपका DBPST फाइनल रिजल्ट आएगा वो भूल जाएंगे, लेकिन आपके जख्म हरे हो जाएंगे जब आपका नहीं होगा, ठीक है भाई, ये तो सच्चाई है कि 9,500 का ही होना है। तो इसलिए हर तरीके से आप लोग तैयार रहिए, ठीक है, कोई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हार्श रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फर्दर फ्यूचर में आपको क्या करना है, हर बंदा UPSC नहीं कर सकता, हर बंदा UPPCS नहीं कर सकता, कुछ वैकेंसीज हैं उनको भाई देखते रहिए, NTPC वाले NTPC में लगे रहिए, लेखपाल वाले लेखपाल में जी तोड़ मेहनत करने लगिए, क्योंकि 8,500 वैकेंसी हैं, इससे बड़ी वैकेंसी फिर नहीं आएगी, ठीक है। और याद रखिए कि अब हर कॉम्पिटिशन को आपको इस हिसाब से लड़ना है कि आपको 100, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 90 का करके आना पड़ेगा सही, तभी आप ये सोच के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो फिर यही होगा जिस तरीके से UPSI में हुआ। 130 वालों का नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, 120 वालों का नहीं हुआ आपका जो है OBC में, तो क्या करेंगे भाई, नॉर्मलाइजेशन है, क्या करोगे, 54 शिफ्ट थी, कहाँ तक आप चीज करोगे। लेकिन तब भी बहुत ही इस बार जो है लीनियंसी रखी गई है कि 4 से 5 क्वेश्चनों का ही जो है ऊपर नीचे किया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया है, 4-5 क्वेश्चनों का ही ऊपर नीचे किया गया है। तो इससे यह है कि जिससे कि भाई गुस्सा भी ठंडा रहे अपना, नहीं तो भाई अब पता लगे 15-20 क्वेश्चनों का ऊपर नीचे करते तो दिक्कत ही दिक्कत थी, ठीक है। तो अपना आगे का देखिए, फ्यूचर देखिए अपना, ठीक है, हर चीज़ कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक, जब भी बैक स्टेप मिलता है तो एक स्टेप लेके, और जब भी आपने देखा होगा रनर जो रन जो दौड़ने वाला होता है वो अपना एक पैर पीछे रखता है पहले, ठीक है, जिससे कि उसको और अच्छे से पुल मिल सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लेखपाल में भी कम कॉम्पिटिशन नहीं है, 1,20,000 बच्चा जो है वो लगभग बैठने वाला है, तो आप लगा सकते हैं कि कितना जो है आपका इसमें टफ कॉम्पिटिशन है। धन्यवाद।